भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं और लंबा गहरा श्वास भर के पहली उंगली माथे पर रख देते हैं। शेष 3 उंगलियां आंखों पर, आंखें बंद होती हैं और कान अंगूठे से बंद हो जाते हैं। मुख को बंद करके ओंकार का नाद करते हैं नासिका से, और एक बार पूरी ध्वनि होती है नाद के रूप में। फिर जब पूरा श्वास बाहर निकल जाता है, फिर हम श्वास भरते हैं और ऐसे ही दोबारा से ओंकार का नाद करते हैं। ऐसे कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, फिर आपके पास जितना वक्त हो आप अधिक बार कर सकते हैं इसको लगातार। 5 मिनट, 10 मिनट, यहां तक कि आप 20-25 मिनट भी लगातार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस नाद योग से, इस भ्रामरी प्राणायाम से आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आत्म शांति के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं, आत्म अनुशासन के लिए, आत्म उपचार के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भ्रामरी प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरा, मुख बंद रखा, ओंकार से नाद होगा। ऐसे इसको अधिक बार कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है और वह ज्योति, वह आभा, वह तेज पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। मन अपने आप शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाते हैं, हम उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की भी सारी दैवी शक्तियां, दैवी संपदा हमें प्राप्त होने लगती है और सारे मुक्त पुरुष, शुद्ध पुरुष हमें आशीष देने लगते हैं। जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होने लगता है। और यह भ्रामरी प्राणायाम, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह के मानसिक रोग हैं, उनके लिए तो रामबाण का काम करता है। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे हमें मुक्ति मिलती है। भ्रामरी और उद्गीत दोनों ही प्राणायाम दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम करने से ध्यान अपने आप लग जाता है। आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और अपने आप धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक और अतीन्द्रिय शक्तियों, अतीन्द्रिय ज्ञान की अनुभूति आपको होने लगती है। Thank you.